अरे कहाँ गया मेरा चैंपियन जिसको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आज मैं उसको इंपैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन आवर डेली लाइफ सिखाने वाला हूँ। तो भाई समझो भाई, ऑक्सीडेशन का जो है हमारी डेली लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है आपने अपनी दैनिक जिंदगी में देखा भी होगा। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, एप्पल को कट करके छोड़ दो, थोड़ी देर तक अगर काट के छोड़ दिया, क्या होगा आफ्टर सम टाइम, वो पहले जो है आपका कोई किसी और कलर का था, अब जो है आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, इंपैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके अलावा बात करें भाई, कभी आपने चिप्स के पैकेट को खुले में छोड़ दिया हो, आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या हो जाता है, पहले जो है करारे सा होता है, बाद में जो है उसका वो मुलायम सा हो जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन का ही इंपैक्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा लोहे के सब्सटेंस को अगर हम छत पे छोड़ दें खुले में हवा बारिश में, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो उस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको बोलते हैं जंग लग जाता है। तो वो ये सब क्या है भाई, ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे इंपैक्ट है। तो हम जो पढ़ेंगे दो इंपैक्ट पढ़ेंगे, पहला जो है रेंसिडिटी और दूसरा जो है कोरोजन। तो भाई रेंसिडिटी समझना, रेंसिडिटी क्या होता है इसके समझो, पहले फिर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। रेंसिडिटी होता है कि जब भी कभी हमारा फैटी फूड, खास करके मतलब कि ऑयली फूड जब हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है। तो उसका टेस्ट और स्मेल का बदलने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। सो सिंपली लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लो एक बार, इट इज द प्रोसेस इन विच, या फिर सिंपली चलो लिख लो इसी में, इट इज द प्रोसेस इन विच व्हेन द फैटी फूड गेट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन देन इट गेट चेंज देयर टेस्ट एंड प्रोड्यूस फाउल स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वह प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आपका जब भी कभी फैटी फूड जो है एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे रेंसिडिटी। तो भाई समझना, एग्जाम्पल के लिए आप वही लिखने वाले की कुछ बात नहीं है इसमें, जब चिप्स का पैकेट की बात करते हैं, चिप्स का पैकेट हो गया या फूड फूड वगैरह है, अगर आपने खुले में छोड़ दिया, आफ्टर सम टाइम देखते हो, अगर मान लो मॉर्निंग में अगर छोले भटूरे बनाओ और शाम तक अगर उसका देखोगे, तो उसकी स्मेल में बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। रीजन क्या होता है भाई, कि भाई वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जो है उसका टेस्ट और स्मेल में परिवर्तन आता है। तो इसलिए जो है चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, फ्रेश रहे। तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, व्हाई द चिप्स मैन्युफैक्चरर ऐड द नाइट्रोजन गैस इन द फ्लश बैग ऑफ चिप्स, तो भाई रीजन क्या होता है कि भाई चिप्स मैन्युफैक्चरर जो है नाइट्रोजन गैस इसलिए ऐड करता है ताकि चिप्स जो है लंबे समय तक फ्रेश रहे, ऑक्सीडेशन से बचा रहे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन बताओ, तो भाई प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो अपने फूड स्टॉक को रेंसिडिटी से कैसे बचाओगे, उसके लिए क्या करो, फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस मिला दो, इसके अलावा फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखो, इसके अलावा फूड को जो है फ्रिज में रखो। तो इन चार मेथड से, इसके अलावा इससे भी बात ना बने तो फूड को अवे फ्रॉम लाइट रखो, सनलाइट से दूर, सनलाइट से दूर रखो। तो इन पांच प्रिकॉशंस की हेल्प से ना अपनी अपने फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हो। तो ये होता है भाई प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी के बारे में बताया, प्रिवेंशन बताया। अब उसके बाद आपका सेकेंड इंपैक्ट जो होता है कोरोजन। भाई कोरोजन ध्यान से समझना, आपके थर्ड चैप्टर में भी है कोरोजन, मैं आपको थर्ड चैप्टर वाला भी यहां इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, ताकि थर्ड चैप्टर में एक बार रिविजन हो जाए। तो भाई कोरोजन क्या होता है, सिंपली जब भी कभी मेटेलिक सब्सटेंस जो है ना एयर के कॉन्टेक्ट में, वाटर के कॉन्टेक्ट में, एसिड के कॉन्टेक्ट में, केमिकल सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसका अपर शाइनी सरफेस जो है ना डीके होना शुरू हो जाता है। जो अपर शाइनी सरफेस डीके होना शुरू होता है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो डेफिनेशन लिख लो, व्हेन द शाइनी मेटेलिक सब्सटेंस कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड एंड अदर केमिकल सब्सटेंस, देन इट गेट कोरोड इट्स अपर शाइनी सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन,
आयरन में रस्टिंग होना क्या कहलाएगा? कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा जब भी आपका ग्रिल वगैरह गेट वगैरह लगता है आपके घरों में, तो स्टार्टिंग में बहुत चमकदार होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है ना उसके ऊपर अपर शाइनी सरफेस जो है ना चमकदार से चिकना सतह जो है ना आपका क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। रीजन क्या होता है भाई कि भाई वो अपर शाइनी सरफेस जो है एयर के कॉन्टेक्ट में, वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, जिस कारण से जो है क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। तो ड्यू टू कोरोजन वो अपर शाइनी सरफेस गायब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, अब देखो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन के रस्टिंग प्रोसेस में आयरन जब आपका वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, वाटर के साथ साथ अगर ऑक्सीजन में मिलेगा तब, याद रखना आपको बताया था आयरन जो है वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, वो आयरन के साथ गैसेस स्टेट में रिएक्ट करेगा। अगर मान लो खाली आयरन को अगर वाटर में कैप्ट करके रख दिया ना, खाली आयरन को डिस्टिल वाटर में ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो यहाँ पे कभी भी जंग नहीं लगेगा सारी जिंदगी में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो इसलिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। तो आयरन को वाटर में डाला ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2O3.XH2O, इसी को बोलते हैं रस्ट, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं रस्ट। तो अगर रस्ट का फुल फॉर्मूला पूछा जाए तो ये बताओगे। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा कोरोजन का और भी एग्जांपल होता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट नहीं होता, वो किसी और सब्सटेंस के कारण होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास जो है उसमें कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होना, तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर में बात करें तो कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आता है तो बनता है CuCO3, ये ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाता है। तो मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, उससे कॉपर जो है रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद कॉपर कार्बोनेट बना लेगा जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, तो इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। इसके अलावा भाई एक और एग्जांपल समझो, कोरोजन का एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा चांदी के गहनों पे ब्लैक कोटिंग आ जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो भाई सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग जो आता है तो कैसे आता है, सिल्वर जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, और सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनता है Ag2S। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना लेगा Ag2S, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का कोटिंग। लेकिन याद रखना गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होगा, गोल्ड एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बहुत लेस रिएक्टिव है, हमेशा फ्री स्टेट में रहेगा। सोना कभी काला नहीं पड़ता, चांदी काला पड़ता है। अब इसको रोके कैसे, क्या प्रिकॉशन है, तो भाई प्रिवेंशन याद लिखना, पूछा जाता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले भाई ऑयलिंग रेगुलर, जो मशीन के पार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें आप देखते हो ऑयलिंग करते रहते हैं, क्यों, ताकि कोरोजन ना हो। इसके अलावा ऑयलिंग के अलावा पेंटिंग, आपने देखा होगा होली दिवाली पे आप अपने घरों को पेंट करवाते हो, ग्रिल वगैरह को पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वो आपका कोरोजन से बचा हुआ रहे। ग्रीसिंग करते हो, इसके अलावा ऑयलिंग पेंटिंग ग्रीसिंग और पॉलिशिंग, पॉलिशिंग से भी आपका जो है कोरोजन बचा हुआ रहेगा। इसके अलावा गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा हमारा मेन मेटल बचा हुआ रहता है। जैसे कि आपने वो देखा होगा जो वहां कुतुब मीनार पे जो भीम की किल्ली है, अशोक स्तंभ जो है, वो जो आपका आयरन पिलर है उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता, तो वो रीजन क्या है, गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स को मिक्स करके ना एलॉय लगाया गया है, एलॉय का पिलर है वो, प्योर प्योर आयरन का नहीं है, उसमें एलॉय है, जिंक भी है, ब्रास भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, बहुत सारे का मिक्सचर है, जिस कारण से उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सारे प्रोसेसेस से जो है ना हम अपने मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं, समझ पा रहे हो भाई। तो ये था आपका इंपैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आवर डेली लाइफ। तो भाई ये दो इंपैक्ट थे हमारी डेली लाइफ पे जो पूछा जाता है। इसी के साथ जो है भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से कब फिनिश होगा, जब इसका आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। अगर कहीं दिक्कत आता है अटेम्प्ट करने में
तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भाई, क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, अलग से लेक्चर चाहिए मुझे, तो मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा ओनली क्वेश्चन एंड आंसर से। समझ पा रहे हो? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। आप सभी को बधाई हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई, ताकि थोड़ा क्राउड बढ़े। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सवा में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।